हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट का T2 स्टार्ट करेंगे। इससे हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 14, जागो सवेरा हो गया। पार्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? हम सबको जल्दी उठकर अपने सभी काम समय पर करने चाहिए। कुकड़ा नाम का एक मुर्गा था। वह रोज़ सुबह कुकड़ू कुकड़ू बोलता था। एक दिन उसके ऐसा ना करने पर सबको क्या क्या परेशानियाँ हुई, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। कुकड़ा एक अच्छा मुर्गा था। वह रोज़ सवेरे घर की छत पर चढ़कर आवाज़ लगाता, कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू, जागो जागो सवेरा हो गया। एक दिन बहुत ठंड थी, कोई भी जागना नहीं चाहता था। कुकड़ा ने आवाज़ लगाई, सब बोले, थोड़ी देर बाद कुकड़ना सभी करवट बदल कर सो गए। कुकड़ा ने थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ लगाई, स्कूल जाने वाले बच्चे बोले, गंदे कुकड़े चुप हो जाओ, हमें मत जगाओ। कुकड़ा को ये है सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अब मैं किसी को नहीं जगाऊंगा। सभी लोग सोते रहे और तब तक सोते रहे जब तक कि दोपहर ना हो गई। अब आगे क्या हुआ ये सुनो। गाय भैंसे बाँ बाँ करके गवालों को दूध दुहने के लिए बुलाने लगी। गवाले हो गए गायें चराने वाले। पालतू कुत्ते बाहर निकलने के लिए झपटाने लगे। जब उनकी आंख खुली तो सबने हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दी। जब वो देर तक सोते रहे तो फिर जब देर से उठे तो फिर क्या हुआ, सारी गड़बड़ हो गई। क्या क्या हुआ, गवालों ने गाय भैंसों को बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया। पालतू कुत्तों ने सारा घर गंदा कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पालतू कुत्तों को भी बाहर नहीं निकाला था। उस दिन ना बच्चे को दूध मिला, ना पापा को चाय। जल्दी जल्दी में मम्मी ने सारा खाना जला दिया। पापा घर के कपड़े पहनकर काम पर चले गए। बच्चों की स्कूल बस तो आई ही नहीं। ड्राइवर जो सो रहा था, बच्चे मम्मी के साथ भाग भाग कर स्कूल गए। स्कूल का गेट बंद था। मैडम, घंटी बजाने वाले भैया सभी देर से जो उठे थे, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। शाम के समय सभी लोग कुकड़ा के पास गए, उससे माफ़ी मांगी। कुकड़ा बोला, नहीं, अब जब तक सब खुश होकर नहीं उठेंगे मैं आवाज़ नहीं लगाऊंगा। सभी एक साथ बोले, हम वायदा करते हैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर हम खुशी खुशी जागेंगे और अपना काम समय पर करेंगे। अगले दिन कुकड़ा ने फिर सुबह आवाज़ लगाई, कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू, जागो सवेरा हो गया। ये था जागो सवेरा हो गया। इसमें लास्ट में सारे कुकड़ा से माफ़ी मांगते हैं और फिर से वो समय पे सबको जगाता है। और इसलिए आपको हमेशा समय पे जागना चाहिए, इस पर जल्दी जागना चाहिए, ताकि आपका हर एक काम समय पे हो जाए। धन्यवाद।